हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनुष्का। यस सर। देखो जरा जिंदा है क्या? सर जिंदा है। मिसेस कल्पना, मिसेस कल्पना। सर इसके पति से रोज नींद की दवाई देते थे, शायद इसीलिए उठ नहीं पा रही है। मिसेस कल्पना उठिए, मिसेस कल्पना उठिए, उठिए। काम है क्या हो? इंस्पेक्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ मेरे बेडरूम में? कल्पना जी, आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। मेरे शरद को किसने मारा? मेरे शरद को किसने किसने मारा? मेरे शरद को किसने खून किया उसका? मैंने मारा। मैंने खून किया? मैं नहीं कर सकती। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैं कुछ नहीं जानती क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं पता। सर लगता है इनकी मौत करीब 4-5 घंटे पहले हुई। माफ कीजिए कल्पना जी, लेकिन कल रात यहाँ पर और भी कोई आया था? मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं मुझे। कल्पना जी आइए, आप मेरे साथ बाहर आइए। वो मेड कह रही थी कि कल रात उसने शरद को कमरे के बाहर देखा था, और जब हम यहां आए तो कमरे का दरवाजा खुला था। इसका मतलब है यहां कोई और तीसरा था। अभिजीत पता करो। पूछना है तुमसे। जी मुझसे? कल रात तुमने शरद को हॉल में देखा था, कितने बजे? रात के करीब 2 बजे थे। वो शरद ही था? शायद वो ही थे। कितने साल से काम कर रही हो तुम यहाँ? जी 2 साल से। और अभी तक तुम अपने सांप को ठीक तरीके से पहचान नहीं सकती? तुम्हें पता नहीं वो आदमी तुम्हारा सांप था या कोई और था? हॉल में अंधेरा था, उन्होंने नाइट सूट पहना हुआ था, मैंने उन्हें उसी से पहचाना। मतलब वो आदमी शरद के कपड़ों में कोई और भी हो सकता है? हाँ, लेकिन कल तो यहाँ पूरा दिन कोई भी नहीं आया। कल तुम यहाँ पूरे टाइम थी ना घर में? जी वो मैं 10:30 बजे रात को 1 घंटे के लिए बाहर गई थी। 1 घंटे तुम घर से बाहर थी, तभी कोई घर में घुस गया हो। उस वक्त कल्पना और शरद कहाँ थे? साहब का तो पता नहीं, पर मेम साहब सो चुकी थी। और तुम भी वापस आके सो गई, और रात को तुमने किसी को देखा, तुम्हें लगा वो शरद है, लेकिन वो कोई और भी हो सकता है। हेलो, क्या हम लोग अभी आते हैं? अरे भाई तुम हमारा मच्छी क्यों नहीं दे रहा है? कल पैसा पूरा एडवांस लिया और अभी नाटक कर रहा है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या बात? देखिए ना साहब, वो मच्छी के लिए लोग क्या है? साहब हमारा रोजी रोटी क्यों बंद किया साहब? देखिए यहाँ पे एक तहकीकात चल रही है,
इसलिए हम लोगों ने आइस फैक्ट्री को बंद किया हुआ है। लेकिन साहब हमारा मछली क्या गुनाह किया, उन्हें तो छोड़ दो, मछली बिगड़ हम धंधा क्या करेंगे। हाँ साहब मेरी मछली मुझे दे दो साहब, मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन हम लोग हर बास्केट को चेक करेंगे फिर आप लोगों को देंगे। चलेगा साहब, चलेगा। चलो दिखाओ किधर। हाँ सर इधर ठीक है। चलो देख शुरू हो जाते हैं। ये तो पता नहीं, लेकिन मालिक ने 6 दिन पहले इसको यहाँ रखवाया था और कहा था कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। खिड़कियां अंदर से बंद है, इसका मतलब खूनी दरवाजे से ही आया और दरवाजे से ही बाहर गया है। अगर खूनी दरवाजे से बाहर गया है तो जरूर उसके पैरों के निशान जमीन पर मिलेंगे। फ्रेडरिक, फ्रेडरिक कैमरा लाओ। कुछ मिला क्या? शक यकीन में बदल रहा है। इस कमरे में शरद और कल्पना के अलावा कोई तीसरा आदमी भी था जिसके जूते के सोल में खून लगा हुआ था और हमारे लिए वो अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ गया है। आपको शक है कि खून होते वक्त वहां कोई तीसरा आदमी भी था तो इससे पता चल जाएगा कि वहां कोई था या नहीं। तुम्हें लगता कि छोटा सा मांस का टुकड़ा खूनी के हाथ का है? लगता तो यही है, बाकी तो ऊपर वाला जाने। ये बोलकर अलग हो गया कि ऊपर वाला जाने, कसम भी बोल सकते हैं। ये ऊपर वाले बता, वो लड़की सच बोल रही है या झूठ? 2 मिनट रुक जाओ, ऊपर वाले के हाथ क्यों जोड़ते हो? मैं ही बता दूंगा। अच्छा हाँ और क्या? इस डीएनए टेस्ट से सब पता चल जाता है। ये फिंगरप्रिंट्स का भी बाप है। कोई भी दो आदमियों का डीएनए अलग होते हैं। मैंने शरद की वाइफ के थूक का सैंपल लिया था, उसे चेक किया तो ये क्या? क्यों हवा निकल गई रिजल्ट देख के? अरे लड़की ठीक कह रही है, खूनी कोई बाहर का ही आदमी है। बाहर से किसी ने आके इसका खून कर दिया और इसकी बीवी इसके बाजू में पड़े पड़े सोती रही। सर इसने अपनी बीवी को खुद नींद की दवाई दी थी, अगर वो जगी होती तो शायद इसे बचा भी सकती थी। सर वो मेड झूठ बोल रही है, उसे मालूम है वो आदमी कौन है जिसने ये सब किया। मतलब मेड इस खून में शामिल है। सर मरने से पहले इस आदमी ने कुछ तो आवाज निकाली होगी चीखने चिल्लाने की, उसने आवाज तक नहीं सुनी। और वो कह रही है कि वो सो रही थी। अरे बाप रे, अब क्या हुआ? सर ये तो नई बात पैदा हो गई।
अब क्या निकाल लिया? सर दया और अभिजीत आइस फैक्ट्री से जो लाश के टुकड़े लेकर के आए थे उससे तो कमाल हो गए। ये किसका डीएनए? ये तो शरद का डीएनए। और ये? ये शरद के बाजू में जो लेटा उसका है। मतलब जिसकी उंगली हमें जोश से मिली है? हाँ, दोनों का डीएनए सेम है। मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है? हाँ। मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि एक के बाद एक खून हो रहे हैं तो कहीं इन दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों का ही डीएनए टेस्ट निकाल लिया। तो रिश्ता क्या है? ये आदमी शरद का बाप। What? आइए मिसेस कल्पना। मुझे क्या क्या क्यों लेकर आए हैं? शरद की वजह से? जी नहीं, हमने आपको इस आदमी की पहचान करने के लिए बुलाया है। ये तो मेरे ससुर हैं। ये मेरे ससुर हैं। आप लोगों को कहाँ से मिली? एक्सीडेंट में इनकी कार पूरी तरह से जल गई थी। कब हुआ था एक्सीडेंट? लगभग 4 हफ्ता पहले। नहीं, 4 हफ्ता पहले नहीं, सिर्फ 7 दिन पहले। क्या आपने खुद अपनी आंखों से इनकी डेड बॉडी देखी थी? नहीं सर, किसी ने इनकी गाड़ी को पहाड़ी से गिरते हुए उसके बाद में उसमें आग लगते हुए देखा। कल्पना जी, हमें लगता है कि जिसने आपके पति का खून किया है उसी ने आपके ससुर को भी मारा है। क्या? क्यों किया ऐसे? क्या आपके ससुर की किसी के साथ दुश्मनी थी? मैं नहीं जानती सर। वो आइस फैक्ट्री के मालिक मिस्टर जतिन, क्या आप उनको जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर। सर क्या क्या उस जतिन ने मेरे पति और मेरे ससुर का खून किया है? हो सकता है। कल्पना जी, प्लीज कंट्रोल है सर। आप मेरे साथ आ रहे हैं, चलिए। सर ये जतिन अभी तक फरार है, उसकी फैक्ट्री पे और घर पे लगातार नजर रख रहे हैं, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी मिसा और भी कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए सर, ये पत्थर 400 साल पुराने हैं। 400 साल पुराने? हाँ। एक चीज होती है कार्बन डेटिंग प्रोसेस, उससे पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी। मगर ये आदमी तो अभी अभी कुछ दिनों पहले मरा था, 400 साल पुराने पत्थर इस आदमी के पैर के नीचे कैसे आ गए? देखो, इसके नाक के अंदर कुछ सफेद सफेद सा लगा हो, और यहां देखो आंखों पर, ये देखो ये आंखों के पलकों पर भी कुछ सफेद सफेद। ये तो नमक लगता है। इस आदमी को किसी ऐसी जगह पर रखा गया था जो समुद्र के बहुत पास थी। समुद्र के किनारे 400 साल पुराना तो कोई फोर्ट ही हो सकता है, जैसे वसई फोर्ट या मडालन का किला। मठ का किला होगा। जतिन की आज फैक्ट्री जहाँ से ये लाश मिली है वो भी मठ में ही है सर। ये जतिन शायद मठ के किले में ही छुपा बैठा होगा।
आए थे यहाँ? बोलो क्या करने आए थे यहाँ? सर यहाँ कोई है? ऊपर है देख, वहां से जाओ। चलो अभी कल्पना नहीं पाऊंगी। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहां मिलेंगे और वो भी जतिन की साथी बनकर। साथी? जतिन मेरा साथी है, बल्कि मैं इसकी पत्नी हूं। हां, ये एक साजिश थी। सोची समझे, मेरा शरद से शादी करना, उसके बाद मेरे ससुर की एक्सीडेंटल मौत और फिर आत्मा का नाटक करके शरद का खून करना। सारा प्लान कल्पना नहीं बनाया था। इसने शरद से शादी की, उसके पिता की नजरों में एक अच्छी बहू बनी। हम उन दोनों को धीरे धीरे जहर देकर खत्म कर देना चाहते थे ताकि कल्पना पर कोई शक ना कर सके और सारी दौलत कल्पना के नाम हो जाए। जब एक रात हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे, प्लान के हिसाब से मैंने बुड्ढे को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिन। एक बार इस बुड्ढे का काम खत्म हो जाए, उसके बाद इसके बेटे को भी देख लेंगे। शरद के पिता ने सब कुछ सुन लिया था। हमें लगा कि हमारा भांडा फूटने वाला है। मैंने और कल्पना ने उन्हें बेहोश किया और यहाँ ले। लेकिन यहाँ तुम उसे मार नहीं पाए। उसे अपनी आइस फैक्ट्री लेकर गए और उसे मारकर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि पता ही ना चले कि लाश किसकी है। लेकिन एक कटी हुई उंगली ने तुम्हारा पता बता ही दिया। कल्पना जी, पागलपन का नाटक तो अच्छा किया ताकि किसी को पता न चले कि बाप बेटे के खून में इनका भी हाथ था। चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन सीआईडी की चाल के सामने मात खा गए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।